हाय एवरीवन दिस इज विरानिका आज हम बात करेंगे एक पोटैटो शेप्ड प्लानट की जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है ये ऐसा ग्रह है जिसका आकार आलू जैसा है या रगबी बॉल जैसा भी आप कह सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा तो फाइनली एस्ट्रॉनम ने एक ऐसा ग्रह खोजा है इसका अनाउंसमेंट किया गया कि एक एक्सो प्लानट है एक्सो प्लानट क्या होता है वो प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम के बाहर अपने किसी स्टार के आगे पीछे घूम रहे हैं उनको हम एक्सो प्लानट्स बोलते हैं और कुछ साल पहले भी एक सिमिलर पोटैटो शेप्ड प्लानट इन्होंने देखा था उससे मिलता जुलता है ये अब इस प्लानट का नाम क्या दिया इन्होंने वास्प या डब्ल्यू एस पी वन ओ थ्री बी ये इसका नाम दिया है वन ओ थ्री बी और ये कौन सी कॉन्स्ट कॉन्स्टिलेशन में है हरक्यूलिस तो याद रखिए हरक्यूलिस कॉन्स्टुलेशन में है और हमारे सोलर सिस्टम से ऑलमोस्ट 1800 लाइट ईयर्स दूर तो आप मुझे बताइए वन लाइट ईयर किसके बराबर होता है ठीक है तो आप समझ जाइए वन लाइट ईयर का जब आप डिस्टेंस बताएंगे 1800 लाइट ईयर्स दूर होने का क्या मतलब है तो इस तरह से प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्लैनेट क्या होता है आप सबको मालूम है एक से ये वर्ड आता है इसका मतलब है वैंडरिंग स्टार प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सन के आगे पीछे एक एलिप्टिकल ऑर्डर में अगर जैसे ये सन है एक एलिप्टिकल ऑर्डर में इसके आ, न, घेरे में इसके आगे पीछे घूम रहे हैं पहले नाइन प्लैनेट्स से बाद में प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया गया हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है आपके इनर प्लैनेट्स एंड देन योर आउटर प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स कौन से हैं ये आपका मोकरी वीनस अर्थ मार्स आउटर प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून हर किसी प्लैनेट की कुछ ना कुछ खासियत है यहाँ पे देखिए आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको मिलता है मौकरी आप जानते हैं सबसे करीब है सन के एंड uh, uh, सबसे करीब है और सबसे छोटा प्लानट भी है अब एक सवाल आता है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और सब सो, सब सोचते हैं कि सूरज के पास मर्क्यूरी है मर्क्यूरी है तो इसलिए मर्कुरी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है लेकिन ऐसा नहीं है हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस कहा जाता है क्यों क्योंकि जब ये सन के आगे पीछे घूमता है तो ये एक इसकी एक साइड ही सन को फेस करती रहती है ठीक है एक साइड फेस करने से इसका सरफेस ज्यादा गर्म है मोक्यूरी से अर्थ uh, आप जानते हैं लाइफ यहीं पे पॉसिबल है मार्स इज अ रेड प्लान जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लान इज अ विद रिंग्स अराउंड अफुल प्लानिस इन नेपच्चुन और नेपच्चुन अभी सबसे दूर है आपके सन से सो so, ये हमारे सोलर सिस्टम की बात होगी और हमारा स्टार कौन है सन इसके बाहर जो हमको प्लानट मिलेगा उसको हम एक्सो प्लानट कहेंगे जिस तरह से इस प्लानट की खोज हुई है अगर अब न्यूज़ एजेंसी की मानी जाए अब इस प्लानट के जो नए आप प्लानट है इसके बारे में बात करते हैं डब्ल्यू एस पी वन ओ थ्री बी ये अपने स्टार से काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे है दैट मीन्स हमारा अर्थ और सन के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे फिफ्टी टाइम्स ज़्यादा ये अपने स्टार के पास में है और हमारे को रोटेशन uh, में अर्थ को हमारे को जब बोल रहे हैं दैट मीन्स अर्थ हमारे प्लानट को सन के आगे पीछे घूमने में मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 365 डेज लगते हैं लेकिन इस प्लानट को सिर्फ 22 टू आवर्स लगते हैं यानी हमारा तो रोटेट भी अर्थ जो है 24 फोर आवर्स में करता है तो ये पूरे अपने स्टार का चक्कर काट लेता है इन 24 फोर आवर्स तो अर्थ का 365 डेज अब इनिशियली इसको जब डिस्कवर किया गया था अनयूजअली शेप प्लानट को 2014 में क्योंकि देखिए जर्नल्स में इसके बारे में नॉलेज आने में टाइम लगता है तो उसका कई बार इस तरह के अनाउंसमेंट्स थोड़े लेट की जाती हैं तो एस्ट्रॉनमर्स ने देखा था कि ये जो शेप में डिस्टॉर्शन है अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि हम बोल रहे हैं आलू जैसी शेप है इसकी या रग्बी बॉल जैसी है यानी ये कोई परफेक्ट सिफियर नहीं है तो इसकी शेप में ये डिस्टॉर्शन किस वजह से हो रहा है तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि ये जो शेप का चेंज है जो डिस्टॉर्शन है ये सिवियर टाइडल स्ट्रेस की वजह से होगी टाइडल स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ टाइडल स्ट्रेस जिस तरह से आपने देखा है कि मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे यहाँ पे समुद्र में टाइड्स बनती हैं तो एक सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी उसके ग्रेविटेशनल पुल से दूसरे सेल्सियल बॉडी पे क्या असर पड़ता है क्या फ़ोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है उसको हम टाइडल स्ट्रेस बोलते हैं तो so डेफिनेटली अगर उसका स्टार बहुत बड़ा है वैस वन ओ थ्री बी की मैं बात कर रही हूँ उसका स्टार और वो उसके बहुत करीब है है ना उसका डिस्टेंस उससे बहुत करीब है तो इसका बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल इस प्लानट पर पड़ रहा होगा जिसकी वजह से इसकी शेप इस तरीके की है और यू नो कई बार तो इस टाइडल स्ट्रेस की वजह से सेल्शियल बॉडीज़ जो अपने स्टार के इतने करीब होती हैं वो टूट भी जाती हैं दे ब्रेक अपार्ट ऑल्सो राइट क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाती वो टूट भी जाती हैं बट फिलहाल इसका इतना डिस्टेंस मेंटेन है कि ये ब्रेक अपार्ट नहीं हुआ ये प्लानट इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो गई uh, अब देखिए जब इसको ढूंढा गया था बट अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं है ये एजाम्शन हैं जितना साइंस फिजिक्स एक्सपर्ट समझते हैं अब ये पूरा मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और ये ची ने बोला है रग्बी बॉल शेप्ड एक्सो प्लानट तो कोई इसको पटेटो शेप बोल रहा है कोई रग्बी शेप बोल रहा है देखिए जिस तरह से रग्बी का बॉल होता है ये प्लानट उस तरीके से आपको दिख रहा है तो ये इसका स्टार है और ये उसके आसपास ये घूम रहा है ये आ गया आपका प्लानट हाँ वैस वन ओ थ्री बी अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं सोलर सिस्टम के किसी प्लानट के साथ जुपिटर के साथ तो जुपिटर के साथ माना जा रहा है ये प्लान से डेढ़ गुना ज़्यादा बड़ा है रेडियस इसका जुपिटर के रेडियस से दो गुना बड़ा है और टेम्परेचर भी जुपिटर से ये बीस गुना ज़्यादा गर्म है हॉटर है तो ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इतना पता लगा है अब इस प्लानट के बारे में कुछ और बातें डिफॉर्मेशन सिग्नेचर इन इट्स ट्रांसिट लाइट कर्व एंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एक्सपेक्टेड स्पायरल इन टाइम्स तो ये इसकी डिफॉर्मेशन के बारे में बात की है इसकी शेप के बारे में क्योंकि अपने सन के बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है टाइडल डिफॉर्मेशन की वजह से इसमें ये चीज़ हो रही है अब हम एक लव नंबर की बात की गई है लव नंबर क्या होता है किसी साइंटिस्ट के नाम पे ये नंबर रखा गया है एक डायमेंशनलैस पैरामीटर है इसमें हम देखते हैं कि किसी प्लानट का जो मास है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस प्लानट पे वो उसका मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे हम उसकी रिजिडिटी पता लगा सकते हैं उस प्लानिटरी बॉडी की तो यहाँ पे जो वास्प वन ओ थ्री बी है जुपिटर से मिलता जुलता हम इसको मान रहे हैं कि इसकी रिजिडिटी जुपिटर से मिलती जुलती है और जो प्रोडिक्शंस इसके बारे में की गई हैं कि इसका सॉलिड कोर है इसको देख के कि जो कोर है इसका वो सॉलिड है और उसके बाहर बाहर लिक्विड लेयर है और उसके बाहर गैसियस एटमॉस्फेयर है ये मैं आपको यहीं पे पिक्चर में दिखाती हूँ यहाँ ठीक है ये कोर की बात की जा रही है इस प्लान की जो कि सॉलिड है फिर इसके बाहर ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये लिक्विड फ्लूइड लेयर है और फिर अगेन इसके बाहर एटमॉस्फेयर है ये सब प्रोडिक्शन इसके बारे में की जा रही हैं और बाकी तो मैंने आपको बताया कि जुपिटर से 1.5 टाइम्स मासिव है रेडियस ट्वाइस है जुपिटर से हॉटनेस ट्वेंटी टाइम्स है और इसकी जो ये पफीनेस है जो डिस्टॉर्शन जिसको बोल लो ये उसके हॉटनेस की वजह से भी हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स अप्रॉक्सीमेटी टू इट्स स्टार अब साइंटिस्ट ने इसको कैसे खोजा अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सी एच ई ओ पी एस जी ऑप्स मिशन जो है यहाँ से डेटा लिया गया नासा के हबल और स्पिट्सर स्पेस टेलीस्कोप से फिर इस इन्फॉर्मेशन को साथ में रखा गया और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई अब यही है ये लोग क्या करते हैं कि जब होम स्टार जो उसका स्टार है जिसके आगे पीछे वो घूमता है उसके सामने से जब ये गुजरता है उस टाइम ये इसको नोटिस करते हैं ये एक तरीका है हंटिंग मैकेनिज्म है टेलीस्कोप का जिस तरीके से इसी तरीके से हम एक्जो जो हैं उनको डिस्कवर करते हैं फिर वो कितना डिम हो रहा है उसकी लाइट से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके साइज के बारे में उसके शेप के बारे में वो कलेक्ट की जाती है अब ये सब एक्सो प्लान ढूंढना हमारे लिए मैटर क्यों करता है अभी तक एस्ट्रॉनम ने ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एटी फोर जो हैं, वो खोजे हैं और एटी फोर हंड्रेड और इस तरह के कैंडिडेट्स हैं जिसपे काम चल रहा है कन्फर्म कर रहे हैं कि वो प्लान ही हैं अब ये सारे प्लैनेट्स डिफरेंट शेप साइजेस कॉन्फिगरेशन में आते हैं इससे हमारे पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है जो हमें प्लैनेट्स के बारे में समझाता है क्योंकि प्लैनेट्स को जितना समझ पाएंगे उतना हमको यूनिवर्स के बारे में अपने सोलर सिस्टम के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग काम है बट इस पर एक्सपर्ट्स काम कर ही रहे हैं टाइडल स्ट्रेस स्टार्स पे या प्लान्स पे जो पड़ता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब यहाँ पे एक वियर्ड ट्विस्ट भी है कि साइंटिस्ट जो हैं एस्ट्रॉनमस जो हैं वो एज्यूम कर रहे हैं वैस्ट वन ओ थ्री बी के बारे में जैसे इसका स्टार है ना और ये इसके आगे पीछे घूम रहा है तो मैंने आपको बताया कि इसके बहुत करीब है अब यहाँ पे माना जा रहा है कि ये इससे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है जिसके आगे पीछे चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे ये इसके अपने ऑर्बिट से थोड़ा दूर जा रहा है अब दूर जाने से क्या होगा अगर पास आएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा टूट जाएगा ये प्लैनेट राइट right? अगर दूर जाएगा तो अपने इस खतरनाक एंड से ये बच सकता है स्प्लिट अपार्ट होने से ये बच सकता है अगर दूर जाएगा बट अभी ये देख रहे हैं इसको और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या और इन्फॉर्मेशन इनके पास से निकल के आई है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अभी इस प्लानेट के बारे में और स्टडी की जाएगी उसको कंपेयर किया जाएगा उसकी शेप्स कंफर्म की जाएंगी तो काफ़ी काम अभी बाकी है जो कि चल रहा है बट एनी वे ये एक्जो प्लानट स्टडी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये एक नया प्लानेट है जिसको खोजा गया है अब क्वेश्चन आपके लिए वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट अर्थ ओरिजिन फ्रॉम गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स जेम्स जीन्स एच एल्फन एफ होयल ओ स्मिथ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में बता सकते हैं कोर्सेज़ uh, के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच